मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बोलेंगे इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए। तो वीडियो पूरा देखिएगा, ज़रा सा भी स्किप ना कीजिएगा। मैं बीच वीडियो में बताऊंगा कि आप इसका पीडीएफ फॉर्मेट मुझसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो स्किप करेंगे, हो सकता है आप कैसे प्राप्त करें वो आपसे छूट जाए, आप ही का नुकसान होगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास CET IG की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है 2018 का क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हो सकता है जिनको जानकारी ना हो, इसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं और सभी लगभग जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस होते हैं। तो आप नॉर्मली जनरल एग्रीकल्चर्स की बुक पढ़कर इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं इसको धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन पढ़िए और आंसर में टिक भी लगा हुआ है, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन और आंसर बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसको आप जनरल एग्रीकल्चर का बुक है, जैसे नीम राज सुंदा, आर के शर्मा, ये सभी पढ़ के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। या फिर जिनके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो और जो 4 साल अच्छे से पढ़ा हो, उसको ये सब बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो आसानी से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है। खैर, इस साल की बात की जाए तो कोविड का कंडीशन है। लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था कि BSc एग्रीकल्चर के परसेंट के बेसिस पर MSc में एंट्रेंस दिया था। इस साल एक स्टूडेंट ने IGKV के ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है वहाँ मैसेज किया था, तो उन्होंने इस पर रिप्लाई दिया था। बहुत जल्द ही आपको इसके बारे में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। फिर आप लोगों ने MSc और PhD के लिए जो नोटिफिकेशन देखा, उसमें कहा गया है कि उस समय की परिस्थिति निर्धारित करेगी कि एग्ज़ाम लिया जाए या ना लिया जाए। तो उस नोटिफिकेशन में जुलाई का वर्णन किया गया था। तो देखते हैं जुलाई में कोविड का कंडीशन कैसा रहता है, यदि कंडीशन नॉर्मल होता है या कंट्रोल में आ जाता है तो हो सकता है ये एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज हो। हाँ, तो अब मुझे पता है आप में से बहुत की डिमांड होगी कि मुझे इसका PDF कैसे मिले। तो जो मुझसे इसका PDF चाहते हैं, नीचे मेरे इंस्टाग्राम ID का लिंक है, पर्सनल इंस्टाग्राम ID का, वहाँ जाकर मुझे फॉलो कीजिए और पर्सनल मैसेज कीजिए। मैं वहाँ आपको इस जो क्वेश्चन पेपर का PDF है उसको पर्सनली आपको सेंड कर दूंगा। तो आप सभी अच्छे से तैयारी रखिए और अभी पढ़ाई भी करते रहिए, क्या पता इस बार भी परसेंट के बेस पर हो जाए, फिर नेक्स्ट टाइम भी परसेंट के बेस पर हो जाए। तो आप लोग कमेंट कर कर बताइएगा क्या मुझे और जो और क्वेश्चंस पेपर है मेरे पास, 2019 का है, 2016 का है, मुझे मुझे अपलोड करना चाहिए नहीं। और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि हो सकता है वो भी MSc के लिए तैयारी कर रहे हों, IGKV CET का, लेकिन उनके पास क्वेश्चन पेपर ना हो, तो उनके ये सहायता हो जाएगा और आपके लिए भी एक अच्छी बात हो जाएगी कि आपने अपने फ्रेंड्स की हेल्प की। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने कॉलेज ग्रुप हो गए, या अलग से डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चर कॉलेज के मिक्सिंग कई ग्रुप बने हैं, मैंने व्हाट्सएप पे देखा है, जैसे BSc एग्रीकल्चर थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, या सेकेंड सेम, फोर्थ सेम, सिक्स सेम, तो वहाँ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के फ़ायदा हो रहा है, साथ साथ उनको भी फ़ायदा हो और आपके फ्रेंड्स का भी प्रिपरेशन अच्छे से हो। क्या है, आप सोचेंगे कि नहीं उनको फ़ायदा मत हो, मैं अच्छे से ना, मैं तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा कंपटीशन में, टफ में, ज़्यादा कंपटीशन में अच्छे माहौल तैयार होंगे और स्टडी का माहौल रहेगा। खैर, आप अपने दोस्तों के साथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कोई टॉपिक क्लियर करने के बाद। क्या है, इससे आपका प्रिपरेशन भी बढ़ेगा और आपके मन में एक वो इमेजिनेशन पावर जागेगा कि हाँ, कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन बना सकता है और क्या क्या ऑप्शन दे सकता है। वैसे नॉर्मली मैं कहूँ तो आप सोच रहे हैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो पिछले 4 से 5 साल के आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए और वहाँ से हर सवाल कौन कौन से टॉपिक से पूछा है उसको नोट कर लीजिए बस, और उसी टॉपिक का प्रिपरेशन कीजिए। आपका नेक्स्ट टाइम भी आप 80 से 90% अंक
अर्जित कर पाएंगे यदि आपने अच्छे तरीके से और डीपली जो जो लास्ट 5 ईयर में आपको पूछा था वो टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि यही एक तरीका है। और वैसे भी सिलेबस तो दे देते हैं कोई भी एग्ज़ाम वाला, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सिलेबस से ही पूछे, आउट ऑफ सिलेबस भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं। तो आउट ऑफ सिलेबस को आप कब पकड़ेंगे, जब इस तरह एक एक टॉपिक को आप जानेंगे कि हाँ कौन कौन से टॉपिक से पूछ रहा है, तो उससे आप क्या कर पाएंगे, जो आउट ऑफ क्वेश्चंस के सिलेबस आते हैं उसको कवर कर पाएंगे। तो खैर उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, ज़रूरतमंदों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, जिसको PDF चाहिए नीचे मेरे इंस्टाग्राम ID का लिंक है, वहाँ जाकर मुझे फॉलो कीजिए और पर्सनल मैसेज कीजिए, मैं वहाँ सभी को पर्सनली PDF भेज दूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।